हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आरके एग्जाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आप उस पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसकी सैलरी जानने के बहुत इच्छुक होते हैं कि क्या आपकी सैलरी रहेगी जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ जो SSC का जो एक पोस्ट आती है MTS, उसकी 2024 में क्या आपकी सैलरी रहेगी, क्या आपको ग्रोथ सैलरी मिलेगी, क्या आपके अलाउंस या पर्क्स जो अलग अलग फैसिलिटी मिलेंगी इस जॉब में, क्या डिडक्शन रहेंगी, क्या और आपकी जो है इनहैंड सैलरी रहेगी, इन सभी पॉइंट को आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सभी पॉइंट्स को एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो है, क्या आपकी जो है कटौतियाँ होंगी, क्या क्या दूसरे आपको पर्क्स मिलेगी, जैसे कि कुछ आपको जो है एजुकेशन से रिलेटेड जो है अमाउंट मिलेगी, आपको जो है ट्रेवल से रिलेटेड जो अमाउंट मिलेंगी, वो सभी इस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी आपकी रहेगी, वो सभी हम यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल जो है इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले पॉइंट्स जानते हैं आपकी सैलरी क्या रहेगी। SSC MTS की 2024 की ये सैलरी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो SSC MTS की पोस्ट है वो आपकी 1800 ग्रेड पे की जॉब है। बेसिक सैलरी आपकी जो यहाँ पर होती है वो आपकी होती है 18,000 रुपये। DA यानी डियरनेस अलाउंस जो आपको मिलता है वो अभी करंट में 24 में आपका 50% हो गया है, और बेसिक सैलरी का 18,000 का 50% कैलकुलेट करेंगे, 9,000 आपका ये बनेगा। फिर आपका एक ट्रांसपोर्टेशन TPT ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होते हैं आपके, ये भी आपके अभी बढ़ गए हैं, पहले 1350 से आपके ये लगभग 1.5 गुना बढ़े हैं, 2025 तक ये आपके बनेंगे। HRA हाउस रेंट अलाउंस जो आपको मिलता है वो 30% होता है बेसिक का, 30% ऑफ 18,000 कैलकुलेट करेंगे, 5400 बनेगा आपका। तो टोटल आपकी जो ये नेट सैलरी इन सभी फैक्टर को मिलाने से बनती है वो रहेगी 34,425। तो आप जो है काफ़ी आपके लिए खुशी की बात है, ये आपकी 2024 में आपकी नेट सैलरी कितनी बन रही है। MTS जो कि जिसको जनरली जो है छोटी पोस्ट माना जाता है SSC के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें, उसमें भी आपकी 34,425 जो है नेट सैलरी बन रही है। फिर नेक्स्ट और जानते हैं कि डिडक्शंस क्या होंगी, क्या कटौतियाँ होंगी। ये आपकी नेट सैलरी बनी है, इसमें एक कटौती होगी NPS जो नेशनल पेमेंट सिस्टम है, उसमें आपकी उसके थ्रू 10% ऑफ बेसिक प्लस DA, 18,000 प्लस 9,000 यानी 27,000 का 10%, 2700 रुपये आपके कटेंगे हर महीने NPS में। फिर एक CGS कार्ड आपका मेडिकल कार्ड बनता है, 250 रुपये उसके कटेंगे। तो इन दोनों जो अमाउंट को घटाने के बाद नेट सैलरी से आपकी जो इनहैंड सैलरी मिलेगी 31,475 रुपये आपको मिलेगी, जो कि एक काफ़ी अच्छी आपके लिए सैलरी है MTS की पोस्ट के लिए। तो याद रखना, ये आपके जो है जो मंथली जो अकाउंट में आएगी 31,475 रुपये इनहैंड सैलरी होगी। ये आपकी सैलरी की बात रही, और भी इसके अलावा काफ़ी सारे आपको इस गवर्नमेंट जॉब में पर्क्स और अलाउंस मिलेंगे, उनके बारे में जानते हैं। इसके अलावा क्या क्या आपको पर्क्स मिलेंगे, देखिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट, एक जो NPS में आपकी सैलरी से कट रहे हैं, इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी NPS में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती है, जो कि आपका बेसिक प्लस DA का 14% होता है। तो 27,000 का 14% करेंगे तो 3780 रुपये हर महीने गवर्नमेंट भी इतने आपके जो है ऐड कर रही है। ये आपके इनहैंड सैलरी में शुरू में आपको नहीं दिखेंगे ये, लेकिन आपको जो है लास्ट में मिलते हैं आपकी रिटायरमेंट के टाइम पे। और एक पॉइंट बताना चाहूँगा मैं, एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए जो मैंने यहाँ पर आपका लिखा नहीं है, लेकिन उसको ध्यान रखना। MTS की जो जॉब है, बाई चांस जो आपका लास्ट चांस चल रहा है और आपकी MTS की जॉब लग जाती है, तो आप जो है अगर 3 साल MTS की जॉब कर लेते हैं तो उसके बाद आपको SSC के और दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी एज में क्राइटेरिया जो है आयु में भी आपको जो है छूट मिलने लग जाती है 3 साल जॉब करने के बाद। ये आपके लिए ध्यान रखना, ये भी पॉइंट काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके अलावा आपको HTC जो है हाउस ट्रेवल कन्वीनियंस बोला जाता है वो आपको मिलता है। अगर आपकी पोस्टिंग घर से दूर है तो एक बार साल में जो है जो आपके टिकट के पैसे होंगे वो आपके जो है सरकार देगी। अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों के जो है पैसे, टिकट के आपके आने जाने के पैसे एक बार साल में सिर्फ जो है HTC आपको ये मिलेगा, 8 साल तक ये आपको मिलता है। फिर LTC होता है जो कि पूरे इंडिया में कहीं पर भी आपको टूर पर जाना,
टोटल जो एक्सपेंस टोटल खर्चा होगा वो आपका सरकार पे करेगी, और 4 साल के बाद जो है एक एलटीसी के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों का खर्चा आपको पूरे इंडिया में, आप कहीं भी घूम के आएंगे टूर होगा आपका, उसका खर्चा सरकार देगी। तो काफ़ी अच्छा ही आपके लिए बेनिफिट है, 4 साल में एक बार एलटीसी, एसटीसी आपका हर साल। फिर आपका नेक्स्ट है चिल्ड्रन का अलाउंस। चिल्ड्रन के अगर आपको मैरिड हैं और जो है आपके बच्चे हैं, तो जो 2 बच्चे तक जो आपको अलाउंस मिलेगा चिल्ड्रन के एजुकेशन से रिलेटेड, जो कि 33,750 रुपये है पर चाइल्ड, ये आपके उनके पूरे साल के जो है खर्चे आपको एजुकेशन से रिलेटेड ये आपको मिलेंगे। जो इंक्रीमेंट आपका रहेगा वो लगभग आपका कुल मिला के 3% ऑफ बेसिक एवरी ईयर होता है, डीए भी इंक्रीज होता है, टोटल मिला के ये आपका 9% से 10% टोटल इंक्रीमेंट होता है। यूनिफॉर्म के अलाउंस भी मिलते हैं एमटीएस को 5,000 रुपये पूरे साल के, दिवाली बोनस मिलता है 7,000 रुपये। तो ऐसे मिला के छोटे छोटे काफ़ी बेनिफिट आपको जो है मिलेंगे। तो ये आपके सैलरी के अलावा जो बाकी जो है और भी काफ़ी बेनिफिट्स आपको मैंने जो है बताए हैं, ये सभी भी आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एमटीएस से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो हमने देख लिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए काफ़ी यूजफुल जानकारी होगी, आपके लिए काफ़ी अच्छी ये जानकारी होगी। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और डेली ऐसे ही अपडेट्स और आपकी जो है एजुकेशनल जो कंटेंट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आगे आने वाले समय में यहाँ पर आपको डेली ऐसी ही अपडेट्स मिलती रहेंगी। इससे आपको जो है वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे, जो आप जो है जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस अपडेट के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ। थैंक यू।